जैसे कि अध्यात्म विद्यालय के 90% सदस्य ब्रह्मा कुमारी विद्यालय संस्था से सदस्य रहे रख के, लेकिन इसके बावजूद अध्यात्म विद्यालय के सदस्यों को ब्रह्मा कुमारी आश्रम में प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं? हिस्ट्री में देखने में आता है कि ढेर के ढेर धर्म स्थापन हुए, मुख्य मुख्य धर्म इस्लाम बौद्ध क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुए, उनकी एक ही डाल बनी रही कि एक में से दूसरी डाल भी निकली, दो दो डाले हो गए। क्या होता है कि पहले पहले हर कार्य सतोप्रधान स्टेज में चलता है, बाद में जब गुरु मर जाता है, मुख्य संचालक है वो चला जाता है, तो उसके फॉलोअर्स मनमानी करने लग पड़ते हैं, तो फिर विरोधाभास जरूर पैदा होगा, फिर दो शाखाएं हो जाती है। हर धर्म में ऐसे ही हुआ, इस्लाम धर्म की दो शाखाएं हो गई, मोहम्मद आए उन्होंने मुस्लिम धर्म बना दिया, जो भी इस्लामी मूर्तियों की पूजा करते थे वो सब बंद करवा दिया, बौद्ध धर्म में से दो श्रेणी निकल पड़े, हीनयान महायान, ऐसे ही क्रिश्चियन में भी दो हो गए, एक क्राइस्ट को और बाइबल को मानते हैं, गिरजाघर को मानते हैं और दूसरा नहीं मानते। तो ये सब भक्ति मार्ग की बात है ना, द्वापर युग से कोई भी धर्म हो, ये भक्ति मार्ग की जो बातें हैं, द्वैतवाद जो फैलता गया, इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? अभी ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में ही ये फाउंडेशन पड़ता है। जो गुरु लोग होते हैं वो अपना अड्डा जमा के बैठ जाते हैं धर्म पिता की जाने के बाद, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया, उनकी बात मानेंगे तो चल सकते हैं, अगर नहीं मानेंगे सिर्फ ब्रह्मा की मत पर, मुख की निकली हुई मत पर चलेंगे तो गेट आउट। यहाँ एडवांस में जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी है वो ही तो फॉलो करते हैं, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी की तो डायरेक्शन को नहीं फॉलो किया जाता, बस यही गलती है। देहधारी गुरुओं की बात मानो 100% तो स्थान मिलेगा, अगर नहीं मानो तो बेटा हूं। और बेसिक में जो अभी भी चल रहे हैं, बेसिक वालों ने और बेसिक पढ़ाई पढ़ाने वाला जो निमित्त मुखिया था उसने शुरुआत से लेकर के अंत तक बाप को पहचाना क्या? यज्ञ के आदि में भी बाप को नहीं पहचाना, पहचाना होता तो संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं रखा जाता। बाद में शिव बाप ने मुरली में इशारा भी दिया कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखना रंग है, क्या पिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में, फिर भी उनकी समझ में नहीं आया।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय तो लिख दिया, लेकिन अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कोई भी नहीं कहते, न समझते हैं, फिर ब्रह्मा कुमार कहेंगे। तो जब मुखिया ने ही बाप को नहीं पहचाना तो फॉलोअर बाप को कैसे पहचानेंगे? और यहाँ तो मुख्य पढ़ाई ही किस बात की है? कोई भी नया आए तो उसको पहले पहले क्या करना है? बाप की पूरी पहचान दो। ऐसे नहीं शिव बाप बिंदी है, ये तो सामान्य पहचान हो गई। आत्माएं भी सब बिंदी है, कीड़े मकोड़े भी सब बिंदी है, ये क्या बड़ी बात हो गई? उन बिंदी बिंदी आत्माओं में बाप कौन सी आत्मा है? पेगुलिटी चाहिए, स्पेशलिटी चाहिए, ताकि एक को याद कर सके, क्योंकि एक व्यापी बनकर के आता है, सर्वव्यापी बनकर नहीं आता। तो वो तो अभी भी सर्वव्यापी बनकर का सारा काम चल रहा है, जो बाप बैठा वही बाप बन के बैठ गया। हमारी बात मानो, हमसे 10 किलो हमारी वाणी सुनो, जैसे मुरली में बोला हुआ है, कोई से आंख मिलाई ये भी शैतान बने। हाँ? आंखें मिलाने वाले की दिव्य चक्षु निकल जाते हैं। आंख मिलाना या कोई भी इंद्रिय मिलाना, संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? संग का रंग ऊंच से ऊंच का लेना चाहिए या कोई का भी लेना चाहिए? ऊंच से ऊंच का संग लेंगे, और वो भी हर जन्म में ऊंच से ऊंच का संग नहीं मिलता, सिर्फ एक ही जन्म मुकर्रर है, और उसमें भी 40 साल बीत जाते हैं। उनकी पहचान होने में 50 साल बीत जाते हैं, तब त्रिमूर्ति बाप का पूरा परिचय बाहर आता है। अरे बता दो भाई जी, पढ़ा और समझा और पूछो। दे दो कोई और माता को बाबा। पहले पहले नंबर देखता है राधा कृष्ण स्वयंवर के बाद, फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु कोई जानते राधा कृष्ण का किसी को पता नहीं है, और वह कहाँ चले जाते हैं? राधा कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, दोनों का अलग अलग महाराजों के बच्चे हैं, दोनों अलग अलग होना वापस राम राज्य। अब बाप आत्मा को कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अगर लिखा है बाबा, वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है? क्या ड्रेस पहनते हैं? शादी आदि कैसे होती है? जो देवी देवते की ड्रेस है हम देखते हैं, वह तो राम कथा बना दी। आपको जो बात अटक रही है उसको पूछिए, जो भी है आप उनसे बात करिए, समझिए। 4-6 प्रश्न है तो 4-6 प्रश्न अलग अलग राधा कृष्ण की जो बात इसमें आई है, वो राधा कृष्ण सतयुग के है या संगम युग के? सतयुग के राधा कृष्ण के बारे में तो किसी को सही पता ही नहीं है, इसलिए उनकी किसी को मालूम नहीं। ये तो बाप ने आकर के हमको बताया कि सतयुग में राधा कृष्ण का जन्म होगा, बड़े होकर के वो लक्ष्मी नारायण कहे जाएंगे। बाकी वहाँ स्वयंवर की बात नहीं है, कहाँ सतयुग में कोई स्वयंवर और कोई जश्न होता है क्या?
स्वयंवर की बात कहाँ की है? संगम की बात है, स्वयं वरण करना। कन्या अपने पति का स्वयं वरण करे, तो ये संगम युग की बात है कि राधा चंद्रवंश की, कृष्ण सूर्यवंश का, तो दो कुल हो जाते हैं। बाकी सत्युग में एक कुल होगा या दो कुल होंगे? एक ही कुल होगा, वहां तो अलग अलग राधा कृष्ण पैदा ही नहीं होते हैं। हाँ, मुरली में लिखा हुआ है कि राधे कृष्ण अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। संगम युग की बात है ना, चंद्रवंशी महाराजा अलग और सूर्यवंशी महाराजा अलग। अभी संगम युग में सूर्यवंशी ग्रुप है कि नहीं? कोई एडवांस पार्टी क्या है? सूर्यवंशी ज्ञान सूर्य की बातों को मानती है और किसी की बातों को नहीं। न चंद्रमा ज्ञान चंद्रमा की बातों को मानेगी, न ज्ञान सितारों की बातों को मानेगी। उनका नारा ही है एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो वो है सूर्यवंशी। और दूसरा जो कुल है वो चंद्रवंश है। चंद्रवंश माना ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को ही जीवन में फॉलो करने वाले हैं, उन्हीं के डायरेक्शन पर चलने वाले हैं। ज्ञान सूर्य को पहचानते भी नहीं और डायरेक्शन पर चलते भी नहीं। तो दो कुल हो जाते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। इसलिए बोला राधा चंद्रवंशी कृष्ण सूर्यवंशी अलग अलग राजाइयां हैं। बाकी सत्युग में थोड़े ही अलग अलग राजाइयां होंगी, वहां भी दो दो राजाइयां हो जाएं, दो दो धर्म हो जाएं, दो दो कुल हो जाएं, दो दो मत हो जाएं, फिर तो वहां भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। और बाबा बाप बाप करके राम राज्य स्थापित करते हैं, तो सृष्टि का पहला पत्ता तो झगड़ा लेकर के आते हैं, तो राम राज्य कहाँ? तो पहला पत्ता जब पैदा होता है तो किसके राज्य में पैदा होता है? जो पहला पत्ते की पैदाइश हुई उनका माँ बाप कोई होगा? तो राम राज्य में ही है, राम के राज्य में तो उस बच्चे का जन्म होता है। राम वाली आत्मा ही तो राम राज्य स्थापन करती है, और कोई भी इतनी ताकत ही नहीं जो इतने बड़े बड़े धर्म पिताओं और उनके बड़े बड़े दिग्गजों का मठाधीश पीठाधीशों का मुकाबला करे। कोई धर्म पिताओं ने आकर के पुराने वंश परंपरा का मुकाबला किया ही नहीं, अपना धर्म स्थापन कर दिया बस। पुरानी परंपराएं जो की तो कुरीतियां चलती रही, उनका विरोध क्यों कोई ने नहीं किया। यहाँ तो बाप आते हैं पुरानेपन का खलासा कर देते हैं, पुरानी दुनिया ही खलास कर देते हैं, पुराने नीत नियम सब सब बदल जाते हैं। बस ये है कि बाप रावण राज्य में आकर के राम राज्य स्थापन करते हैं, नरक की दुनिया में आकर के तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते। सत्युग में तो स्वर्ग ही स्वर्ग होगा, राधा कृष्ण जहाँ जन्म होंगे वहाँ स्वर्ग ही स्वर्ग होगा, ये नरक भी होगा। यहाँ संगम युग में सारी दुनिया में नरक है, नरक के बीच में तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम बच्चे हो खोपड़ियों को ठोकर लगाने वाले। कौन सी खोपड़ियों को ठोकर लगाने वाले? जो ऐसी हठीली है कि बाप की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम समझते ये तो मुर्दे हैं, इन खोपड़ियों को तो लड़कना ही है। बाबा सतयुग की कृष्ण तो ब्रह्मा वाला है, तो संगम युग की कृष्ण प्रजापिता नहीं? अभी प्रजापिता में जो चंद्रमा प्रवेश है वो कृष्ण की सोल नहीं है? तो फिर बाप और बच्चे दोनों इकट्ठे हैं, उनका जन्म भी दोनों का इकट्ठा होगा। जन्म माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म, बच्चा पैदा होता है तो प्रत्यक्ष ही तो होता है, तो उसे जन्म कहा जाता है। यहाँ भी बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होगा संसार में,
किसके साथ प्रत्यक्ष होगा? जो कृष्ण बच्चा है, पहला पत्ता है सृष्टि का, उसके साथ प्रत्यक्ष होगा। बल स्तन एक ही होगा, क्या स्तन एक ही होगा? अभी तो दुनिया नहीं मानती है, ना ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं, लेकिन ऐसा टाइम आएगा जो सारी दुनिया इस बात को स्वीकार करेगी, ये बाप राम और ये दादा बड़ा पत्ता सच्ची का, पहला पत्ता दादा बड़ा भाई, ये दोनों आत्माएं इकट्ठी हैं, इनको बाप दादा कहा जाता है। बाबा ने चंदुली में बोला हुआ है, एडवांस पार्टी तो सकार शरीर परिवर्तन का सेवा कर रही है, लेकिन कोई कोई का पार्ट अंत तक साकारी और अकारी रूप द्वारा भी चलता है। साकारी पार्ट भी माने साकारी शरीर भी है, जैसे राम वाली आत्मा है, जगदम्बा वाली आत्मा है, उनका साकारी शरीर भी है और उसमें आकारी सोल प्रवेश भी प्रवेश करती है, तो आकारी पार्ट भी है, साकारी भी है तो आकारी भी है, उनको शरीर छोड़ करके आकारी पार्ट नहीं बजाना पड़ेगा। ब्रह्मा सरस्वती को शरीर छोड़ करके आकारी पार्ट बजाना पड़ा, सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंध जाना पड़ा, जो दुनिया देख नहीं सकती। वो तो ऐसी बात हो गई जैसे जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? तुम्हारा, तो इसमें तुम्हारा शब्द इसमें लगाया हुआ। बाबा जैसे अभी बाबा ने बोला कि तुम बच्चों को ठंड कराया था, तो बाबा ने ये भी बोला कि सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि सदार में भगवान बाप आठ जा रहे हैं। अभी तो आप रोड से लेकर के माउंट आबू तक क्यों लगेगी, नहीं तो कैसे लगेगी? माउंट आबू में भगवान की प्रत्यक्षता सारे संसार के सामने होगी, तभी तो बड़े से बड़ा तीर्थ कहा जाएगा और सारे तीर्थ डब्बा गोल हो जाएंगे। सब मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे, एक ही बड़ा मंदिर रहेगा। भैया बहन का जा जन्म दिया हुआ, बहन जा बिगड़ करके हो गया भान जा, माना जो बहन होती है हाँ, तो उसके उच्च घराने में डाला जाता है ना, बहन को कहाँ भेजा जाता है? जिस घराने में भेजा जाता है उसको पूज्य माना जाता है, पूज्य मन पूजनीय मानते हैं, और उस पूजनीय घराने में भी उसका जन्म लिया हुआ बच्चा तो भांजा कहा गया, माने पूजनीय पक्ष में है, बाप को भी उसकी पूजनीय मानना पड़े और जो भाई है उसको भी पूजनीय मानना पड़े। तो शादी वगैरह होती है ना, तो बहनोई और भांजे की बहुत पूजा की जाती है, चिरौरी की जाती है, तो यहाँ की बात है, इसलिए शास्त्रों लिख दिया है। शास्त्रों में बाबा लिखा हुआ है कि जो कंसल है वो सब तीर्थों का भंड है। हाँ हाँ, सब तीर्थों का भांजा है का मतलब ये हुआ कि माउंट आबू तो तीर्थ मारा ही नहीं जाता भक्ति मार्ग में, और बाकी जितने भी तीर्थ हैं उन सब का पूज्य है। जैसे काशी नगरी है तीर्थ स्थान है ना, लेकिन जो तीर्थ स्थान है वो भक्ति मार्ग का है या ज्ञान मार्ग का है? भक्ति मार्ग का है, वहाँ से वो प्रत्यक्ष होते हैं। क्या प्रत्यक्ष कहाँ होते हैं? प्रत्यक्षता होती कहाँ से है? काम
के लिए मैंने रेल तो पता चलता होती है। जहाँ ज्ञान का बना बनाया रस मिलता है उसको कहा जाता है बनारस। तो जो भक्ति मार्ग का काशी है बनारस है, वहाँ से ज्ञान का रस मिलता है नहीं मिलता? ये तो बिहार का तो बनारस है। हाँ अंत में बाबा कंटेंट भी प्रत्यक्ष होगा है, कंटेंट भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। जैसे महोत्सव में बताया थे वहाँ फूल लगे, वो महामधुबन है और ये मिनी मधुबन है। हाँ जी, जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बना देंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। तो मिनी मधुबनों में पहला मिनी मधुबन कंपिल का बना, तो वहाँ बाप दादा आने अपना आठ बजाए। अब जहाँ जहाँ बना देंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आ देंगे। अंत में सबकी दौड़ जो है वो आगे की तरफ होगी या कंपनी की तरफ भी होगी? कंपनी की तरफ जो दौड़ है वो ज्ञानी तो आत्माओं की दौड़ है या सबकी दौड़ है? ज्ञानी तो आत्मा वो समझेंगे एडवांस पार्टी की बात को। एडवांस पार्टी का जो बेहद का माउंट आबू है, माउंट माने पहाड़, आबू माने जहाँ दुनिया भर की पत से पतित बदबू वाली आत्माएं इकट्ठी होती है। वहां नाम भी ऐसे ही रखे गए हैं, कायम गंध, खुदा गंध, गुरु सहाय गंध, दरियाओ गंध, कास गंध, दुड़वारे गंध, रोड के किनारे किनारे जो है उनका भी नाम गंध ही गंध, और जो ट्रेन के किनारे किनारे के स्टेशन है उनका भी नाम गंध ही गंध। और जहां से वो रथ पैदा होता है उस गांव का नाम ही है अहमदगंज। बाबा जो बाबा का रथ है वो तो अहमदगंज से प्रत्यक्ष होता है? नहीं तो जन्म तो अहमदगंज से है ना बाबा? प्रत्यक्षता बात अलग और जन्म होना शरीर का वो बात अलग। हाँ ठीक है, जन्म जो है वो तो अहमदगंज से उत्पन्न हुआ ना? अहमदगंज जो है वो शरीर का जन्म है, वो प्रत्यक्षता नहीं कहेंगे। प्रत्यक्षता संसार में कोई प्रत्यक्षता नहीं होती है। प्रत्यक्षता की जो शुरुआत है वो दो प्रकार का जन्म माना गया है। अपने यहाँ यज्ञोपवीत को भी द्विजन्म कहते हैं भक्ति मार्ग में। तो दूसरा जन्म जो है कौन सा रहा गाया जाता है? जब यज्ञ पवित्र। और पहला जन्म में उससे पहला जन्म भी होता है। तो कृष्ण के लिए जो कृष्ण बच्चा है वो पहला जन्म होता है, वो भी गाया हुआ है। जेल में जन्म होता है, 15 अगस्त होता है और जन्माष्टमी का दिन होता है। नहीं तो जन्माष्टमी अलग दिन होती है और 15 अगस्त अलग दिन होता है, लेकिन वो दोनों ही है। तो वो जो प्रत्यक्षता होती है पहले जन्म की उस समय 98 की बात अखबारों वाले प्रत्यक्षता हुई, वो संपन्न जन्म नहीं है। ब्राह्मण बच्चे को संपन्न द्विजन्म तब कहा जाता है जब यज्ञोपवीत धारण कर ले। यज्ञोपवीत का मतलब 3 सूत्र धारण करे, ब्रह्मा का ज्ञान, ज्ञान का धागा, विष्णु का धागा, प्रैक्टिकल जीवन का धागा,
और शंकर का तीसरा सूत्र जानकारी से, ये तीनों ही सूत्र जब एक गांठ में जाकर के मिल जाए उसे कहते हैं ब्रह्म खान। भक्ति मार्ग में ब्रह्म भगवान को कहते हैं, भगवान में अच्छी तरह फट गया। ब्रह्मा की सोल भी, वैष्णवी देवी के रूप में पाठ बजाने वाली सोल भी, और शंकर के रूप में पाठ बजाने वाली सोल भी, तीनों एक सूत्र में जाकर के बंध जाए, तीनों के स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो जाए, तब कहेंगे कि यज्ञ उपवीत धारण किया, द्विजन्म हुआ। कौन? कृष्ण बच्चे। जैसे इशारे आए हैं रत्नवाणी में कि 2008 में तीसरी मूर्ति जो है उसका प्रत्यक्ष होगी, उसका क्या प्रेजेंटेशन है? आपको जी अभी रिसेंट ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, इसलिए बार बार प्रश्न हो रहा है। कई जगह बताया है कि ब्रह्मा को प्रत्यक्ष होने में 16 साल 18 साल लगे, शंकर की मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 8 साल लगे, 69 से लेकर के 77 तक, और विष्णु की मूर्ति को भी प्रत्यक्ष होने में 4 साल तो लगेंगे ही। लेकिन जो 4 साल लगेंगे वो अपने कुल में प्रत्यक्षता पहले होगी उनकी, अपने परिवार में प्रत्यक्षता होगी या दूसरे के परिवार में प्रत्यक्षता होगी? ब्रह्म समाज जो होंगे उनमें ब्रह्मा की प्रत्यक्षता पहले होगी, वो आत्मा ब्रह्मा को पहले पहचानेंगे। ऐसे ही 76 में क्या सब ब्रह्म कुमार को मान ने पहचान लिया था दूसरी मूर्ति को, शंकर की मूर्ति को? नहीं, उनके कुल के जो होंगे उन्होंने पहचाना एडवांस पार्टी वालों ने। ऐसे ही जो प्रैक्टिकल पार्टी वाले हैं विष्णु द्वारा क्या काम होगा? प्रैक्टिकल विष्णु द्वारा, प्रैक्टिकल शंकर द्वारा प्रैक्टिकल नहीं, प्लानिंग होती है, ये प्लानिंग पार्टी है, संकल्पों का नक्शा बनता है, नई दुनिया का सारा नक्शा बना के तैयार कर देते हैं, इंजीनियर है। और ब्रह्मा, ब्रह्मा इंस्पिरेटिंग पार्टी, उमंग उत्साह देने वाली पार्टी, जैसे मकान बनाने वाला मालिक होता है, तो जो इंजीनियर हैं और जो मजदूर हैं वो अपने आप काम करते हैं क्या? उनको उमंग उत्साह इतना पैसा मिलेगा, मकान बनाओ तभी तो बनाते हैं। तो ऐसे यहाँ उमंग उत्साह देने वाली पार्टी है, तो दो पार्टियों का तो काम हो गया। उमंग उत्साह देने वाली ब्रह्मा सप्तशती जैसी आत्माओं की पार्टी और प्लानिंग पार्टी, एडवांस पार्टी, बुद्धि की प्लानिंग बहुत जबरदस्त है, ज्ञान बहुत तीखा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल बुझू देखने को तैयार है। तो नई दुनिया बनेगी कैसे? मकान जो बनेगा वो मजदूरों की सिलाई बन जाएगा क्या? थ्योरी से ही सारा प्रैक्टिकल होता है क्या? प्योरिटी से होती है स्थापना, और इम्प्योरिटी से होता है बिना। तो स्थापना का जो भी नई दुनिया का काम है वो प्रैक्टिकल पार्टी ही निकलती है, और वो प्रैक्टिकल पार्टी अपने पार्टी में अपने परिवार के बीच में प्रत्यक्ष होगी या एडवांस पार्टी में प्रत्यक्ष होगी?
2008 में तो 4 साल पूरे होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष कहाँ होगी? अपने परिवार में पहले चंद्रवंशी जो राधा होगी वो अपने परिवार में पहले प्रत्यक्ष होगी। सब जानेंगे कि चंद्रवंशी राधा का पार्ट है, राधे के फॉलोअर कहेंगे राधे ही राधे। जैसे दो मूर्तियों के द्वारा अब आपने कार्य किया ब्रह्मा और शंकर के द्वारा, ऐसे की आपकी तीसरी मूर्ति जो है विष्णु की वैसे भी जल्दी आएगी, उसके द्वारा भी भगवान का उसमें भी प्रवेश करके जब प्रैक्टिकल पार्ट के लिए कोई प्रवेश करने की दरकार है? ज्ञान सुनाने के लिए तो मुख्य दरकार है, याद में स्थिर करने के लिए, वाइब्रेशन बनाने के लिए दृष्टि की दरकार है, प्रैक्टिकल कर्म करने के लिए मुख की और दृष्टि की दरकार है। नहीं तो विष्णु का जो पार्ट है वो तो प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाता है। वाणी में तो ऐसा कहा गया ना कि मैं तीनों ही मूर्तियों के द्वारा अलग अलग समय में द्वारा प्रैक्टिकल किसके द्वारा है? विष्णु द्वारा ही तो प्रैक्टिकल है। ये तो नहीं कहा मैं प्रवेश करता हूँ तीन मूर्तियों, एक मुकर्रर रथ है या तीन मुकर्रर रथ है? एक ही है। जैसे ब्रह्मा में शिव ने प्रवेश करके कार्य किया, वो जो प्रवेश करके पार्ट किया, जो कार्य किया है वो सिर्फ सुनने सुनाने का फाउंडेशन पड़ा है। जो ज्ञान का फाउंडेशन होता है समझना और समझाना, वो नहीं पड़ा। उसको तीसरा नेत्र नहीं दिखाते हैं ब्रह्मा को, तीसरा नेत्र किसको दिखाते हैं? शंकर को दिखाते हैं। वो तीसरी नेत्र की जो मूर्ति है उसका काम है ज्ञान सुनना और ज्ञान सुनाना, समझना और समझाना, बाकी प्रैक्टिकल करना नहीं। और बीच वाली जो मूर्ति है उसके द्वारा क्या कार्य करेगा? प्रैक्टिकल संगठन बनाना। संगठन जो बनेगा, यूनिटी जो बनेगी वो प्योरिटी से बनेगी या बिना प्योरिटी की बन जाएगी? उससे बाप का क्या रोल होगा? वो प्रैक्टिकल काम करके दिखाएगा, वही करेगा ना। हाँ जी, उसके द्वारा वो करेगा। ब्रह्मा के द्वारा किसने सहन शक्ति की? ब्रह्मा वाली आत्मा ने सहन शक्ति धारण की करके दिखाई या शिव ने उसके अंदर प्रवेश करके सहन शक्ति का पार्ट वाला भी दिखाई? वही मेरा कहने का भाव है कि जैसे उसने प्रवेश करके ये पार्ट प्ले किया। प्रवेश करने की बात नहीं होती है, ये तो प्योरिटी का अंजाम है। ब्राह्मण जीवन में जो ज्ञान लेकर के उस प्योरिटी को धारण करता है फर्स्ट क्लास, उसमें प्रैक्टिकल करने की ताकत आ जाती है। विष्णु विष्णु पवित्र है या अपवित्र है, पतित है या पावन है? विष्णु तो पावन पार्ट है, उस पावन पार्ट के द्वारा ही प्रैक्टिकल होगा। शिव के प्रवेश करने की बात ही नहीं, शिव पतित में आता है या पावन में आता है? अगर विष्णु में भी शिव आ जाए तो दोनों पति साबित हो जाएगा। यही वो यही कहना चाहते थे कि तीन मूर्तियां हैं तो तीनों मूर्तियों में शिव प्रवेष होता है क्या? लेकिन की बात उन्होंने कि 2008 में वो पहला प्रति था, तो वो ये इनका वही चल रहा है। 2008 में बाबा ने बता दिया, 2008 में 4 वर्ष पूरे होते हैं विष्णु की कार्यकाल के, उस कार्यकाल वो विष्णु का जो कार्यकाल है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, तो वो अपने परिवार में प्रत्यक्ष हो रहा है। उसके लिए हमारे पास प्रूफ भी आ गया एडवांस पार्टी में। अभी तो बाप दादा ने अफ्रीका को लकब दे दिया कि जो सर्विस अभी तक किसी ने नहीं की वो सेवा अफ्रीका वालों ने शुरू कर दी। कितने साल हो गए? 70 साल हो गए, और 70 साल में जो सेवा करनी चाहिए वो किसी ने की नहीं अभी तक, न बेसिक पार्टी ने की न एडवांस पार्टी ने की। बाबा वो मूर्ति वहीं रहेगी या माउंट आबू में आ जाएगी? विष्णु की जो मान्यता है वो विदेश में है या स्वदेश में है? शंकर की तो मूर्तियाँ जो है नग्न मूर्तियाँ विदेशों में भी मिली हैं,
जैनियों ने उनको तीर्थंकर नाम दे दिया है। लेकिन विष्णु की मूर्ति विदेशों में नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि विदेशी जितने भी हैं, इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन सब असुर हैं। असुरों को विष्णु तरजीह नहीं देता, देवताओं का पक्षधर है सदैव। और ब्रह्मा की गोद में चाहे जो आ जाए, ज्यादातर असुर ही आते हैं। असुर तपस्या करते हैं, ब्रह्मा की केवली करते हैं और उनको वरदान ब्रह्मा का मिल जाता है। एक शब्द आता है सर्वशक्तिमान, दूसरा शब्द आता है सर्वशक्तिवान। वान और मान, मान नहीं कहना चाहिए, वान कहते हैं, धनवान। कई जगह सर्वशक्तिमान, वो मान जो बोलते हैं वो गलत शब्द हो गया। सही शब्द वान, सर्वशक्तिवान। कई जगह बेसिक में पढ़ा है ना सर्वशक्तिमान, जैसे धनवान। मान शब्द का कोई अर्थ नहीं, धनमान कहते हैं कोई, धनमान कोई नहीं कहता, धनवान कहते हैं, ज्ञानवान, ज्ञानमान कहते हैं। शब्दों को बाबा एक शब्द हम संबोधन करते हैं जैसे जी, लेकिन बाबा के लिए हम ये शब्द यूज नहीं करते हैं। जैसे आप बाबा को जब हम संबोधन करते हैं तो बाबा जी नहीं बोलते हैं, लेकिन दुनिया में ये जी शब्द जो है इसके बगैर हम किसी को अगर बोलेंगे तो ये एक डिसरिगार्ड माना जाता है। तो वो जी शब्द जो है उसका क्या तात्पर्य है, जो बाबा के साथ नहीं लगाया जाता लेकिन दुनिया उस शब्द को जो है वो मान्यता देती है कि ये शब्द जो है ना अगर हम नहीं लगाएं तो मनुष्य आत्माएं हैं वो मान मर्तबा चाहती हैं, परंपरा बनाती है मान मर्तबे की, या शिव मान मर्तबा चाहता है। ब्रह्मा की सोल गुंजार दादी में आती है, वो मान मर्तबा चाहती है, हमको कोई आवाहन करे तब हम आएंगे, आवाहन नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। ये मान मर्तबा मनुष्य आत्मा चाहती है, सिर्फ ये मान अपमान से परे है, इसलिए जी की सवाल ही नहीं। जी शब्द का हम क्या इसका तो दुनिया में दुनिया की भाषा है, एक दूसरे को मान मर्तबा पसंद है इसलिए जी लगाया। शिव बाबा के लिए ये जी की कोई बात नहीं, शिव बाबा तो आते ही कहते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। यहाँ कोई एक दूसरे का सर्वेंट बनना पसंद कर रहा है, इतने इतने साल हो गए 70 साल पढ़ते पढ़ते, एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी मुट्ठी में जमाना चाहते हैं, लेकिन सेवाधारी लगातार बन करके रहे कि हम ऐसे ब्राह्मण हैं हम सेवा करनी है, हमें मान मर्तबा नहीं लेना है, ऐसा एक भी तैयार नहीं हुआ। अगस्त वाणी ने कहा है कि अगस्त बाप दादा पूछते हैं कि चीफ जस्टिस को बुलाने, चीफ जस्टिस से किसको बुलाएंगे? धर्मराज का पाठ शुरू होगा तब अलर्ट होंगे पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ में अलर्ट होंगे तब ही फरिश्ताई अवस्था बनेगी ना, फरिश्ताई से फरिश्ता कब बनेगी? धर्मराज को बुला देंगे। अब तुम्हारे में पूछा एडवांस में कहा है? हाँ जी, एडवांस में क्या, वो तो अब तवानिया और मुरलियाँ हैं तो बेसिकली जैसे वाणी में कहा है कि आत्मा की की जब सारी कट निकल जाएगी तो तुम बच्चे डायरेक्ट बाबा से देखेंगे। क्या हम ये समझें कि जो डायरेक्ट बाबा से कट जो है वो भी दो प्रकार से उतरती है, एक बेसिकली कट उतरना और एक स्पेशल कट उतरती है। जैसे पढ़ाई भी है, एक बेसिक पढ़ाई होती है और एक स्पेशल पढ़ाई होती है ऊंचे क्लास की। स्पेशल पढ़ाई ज्यादा लोग पढ़ते हैं या बेसिक पढ़ाई ज्यादा लोग पढ़ते हैं? बेसिक सब पढ़ते हैं। तो ऐसे ही ये कट भी है, ये बेसिक में भी जिनकी बेसिकली कट उतर गई वो डायरेक्ट बाप से पढ़ते हैं, वो ही पढ़ते हैं जिनकी बेसिकली कट उतर जाती है, अपन को आत्मा समझना शुरू कर देते हैं।
बहुत से अभी भी ऐसे ही बेसिक में बैठे हुए हैं जिन्हें ये बड़ी समस्या है, बिंदी को कैसे याद करें। जो बेसिक ज्ञान है अपन को आत्मा बिंदी समझो और परमात्मा बाप बिंदी को याद करो, वो बेसिक ज्ञान भी उनके पल्ले नहीं पड़ा अभी। ये प्रैक्टिस जिन्होंने पक्की कर ली उनकी जैसे आत्मा की कत उतर गई, देह भान बेसिकली उतर गया, स्पेशली नहीं उतर गया, स्पेशली उतरा हुआ तब कहें जब आत्मा को अपने जन्मों का पार्ट क्लियर होने लगे। कम से कम जो 84 जन्मों में मुख्य पार्ट है वो तो क्लियर हो, जिसका शास्त्र में लाइन है। सूर्य चंद्रमा और ध्रुव तारा, तो सूर्य और ध्रुव तारा, चंद्रमा तो ब्रह्मा हो गए और सूर्य जो है जिसमें सूर्यवंशी राम को हम कहेंगे, नहीं वो वंशी है वास्तव में, जो हमेशा सदैव रोशनी देने वाला है। स्थूल शक्ति में सदैव रोशनी देने वाला कौन है? तो सूर्य तो है, वो तो स्थूल बात हो गई ना, ज्ञान के आधार पर सदैव रोशनी देने वाला कौन है? तो वो सूर्य है वास्तव में। और तो सितारे हैं, ध्रुव तारा फिर प्रजापिता, तुम बच्चे हो सितारे, सारे सितारे किसके आसपास घूमते हैं, नाटक होता है, ड्रामाबाजी खेलते हैं, तो सारे जो एक्टर्स हैं वो किसके आसपास घूमते हैं? रूपारदारी के आसपास घूमते हैं। तो ये जो धरती के सितारे हैं वो आसमान के सितारे हैं, आसमान के सितारों में जो ध्रुव तारा है उसके आसपास सारे सितारे चक्कर काटते हैं। ध्रुव तारा हम प्रजापिता को कहेंगे, वो अपनी जगह पे अटल रहे और सब अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, कभी निश्चय बुद्धि कभी अनिश्चय बुद्धि, तो उसको अटल रहना नहीं कहेंगे, जो आज से लेकर के अंत तक अटल रहे उसको कहेंगे ध्रुव तारा। अब दुनिया में जैसे पारस के बारे में वर्णन आता है कि पारस एक ऐसा पत्थर है जिसके नजदीक जाने से कोई भी चीज सोना बन जाती है, कोई चीज नहीं, लोहा सोना बन जाता है। क्या कोई ऐसा पारस सही माने में है? पत्थर नहीं होता है कोई पारस ऐसा जो छूने मात्र से हो जाए, लेकिन ऐसा पार्टधारी है पारसनाथ कि वो जब संपन्न स्थिति प्राप्त कर लेता है उसके नजदीक जो भी पहुंचेगा संसर्ग संपर्क संबंध में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे नेहरू जी पीछे के लोग बहुत बुराई करते थे और जब वो सामने पहुंच जाते थे तो उनकी बुराई अच्छाई में कन्वर्ट हो जाती, माना उनके वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ जाता है। सबसे पावरफुल चीज है वाइब्रेशन, तो जो संपन्न आत्मा बनती है पहले नंबर की उसके वाइब्रेशन इतने तीखे होते हैं, उस वाइब्रेशन में जो भी आएगा वो चेंज हो जाएगा। तो उसका भक्ति मार्ग में पारस पत्थर कह दिया है, बाकी ऐसा कोई पारस पत्थर न किसी ने देखा है और न कोई जाए थे, तो सारी दुनिया का लोहा सोना बन जाएगा। हाँ जी बाबा, वो पार्ट कब चलेगा? अभी सोने का लिंग कहें, हीरे का लिंग कहें, पत्थर का लिंग कहें या ताम्र लिंग कहें, लिंग तो है उसमें इसके भी ज्योति बिंदु प्रवेश तो करता है, लेकिन है किस स्टेज में? तो प्रधान स्टेज में है या तो प्रधान स्टेज में? तो बढ़ाने चाहिए, तो शिव बाबा को चला जाना चाहिए। शिव बाप पति से प्रवेश करते हैं, तत्व प्रधान प्रवेश करते हैं या तमो प्रधान प्रवेश करते हैं? रजो प्रधान, रजो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान प्रवेश करते हैं। इतना तमो प्रधान बने, इतना तमो प्रधान बने,
एक टाइम ऐसा भी आएगा कि सारी दुनिया का ध्वंस कर देगा। इसलिए मुरली में बोला है, मुरली में बोला है, इसलिए बहुत तंग करेंगे तो विनाश का विनाश कराए दूंगा। ये शिव की सोल कहे या रामकृष्ण की सोल कहे, रामकृष्ण की सोल कह सकते ये बात, विनाश कराए दूंगा। शिव बाबा तो गुस्सा आता ही नहीं, सदा ही शिव है। पृथ्वी अपनी जगह घूमेगी, लेकिन जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां भी पृथ्वी घूमती है कि नहीं? लेकिन वहां 6 महीने का दिन हो जाता है। ऐसे ही ऐसी स्थिति बन जाएगी, धुरी बन जाएगी पृथ्वी की, कि जहाँ सदैव रोशनी ही रोशनी रहेगी सूर्य की, अंधेरा अंधेरा पूरा नहीं होगा, पूरा सब छुटा हुआ रात नहीं बनेगी, रात नहीं होती है। भगवान जैसे बोलिए में लिखा है, सब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान निवास, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता है, गीता पीछे हो जाती है। अब गीता का जयता जरूर चाहिए, परंतु श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा था, वह गीता सुना ना सके। ये सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन है। गुहिया बातें भारत में जो कुछ रौला है सो इसी बात का है। साड़ी की शूटिंग कहाँ होती है? अरे झूठी गीता सच्ची गीता कहते हैं ना, तो झूठी गीता भी है तो सच्ची गीता भी। झूठी गीता से राव राव नरक बनने में 2500 साल लगते हैं, और सच्ची गीता से 1 सेकंड में सब बन जाता है। तो सच्ची गीता कौन और झूठी गीता कौन? ये सिर्फ बाचा चलाए, बाचा की देवी सरस्वती क्या बनती है? महाकाली भी बनती है, जीव लंबी है, कहते ना इसकी तो जीव बड़ी लंबी है। क्या मतलब हुआ? बहुत बोलती बहुत है, काम कम करती है, प्रैक्टिकल कम है। तो दो देवियां हैं, एक महाकाली एक महागौरी। जो महागौरी है वो प्रैक्टिकल जीवन में प्योरिटी के कारण सफल होने वाली है, और वो सफल नहीं होती, ये यूनिटी जल्दी बन जाती है प्योरिटी से। वो सच्ची गीता और वो झूठी गीता, झूठी गीता मनुष्यों ने बनाई, और सच्ची गीता, अरे सच्ची गीता वाणी में कहा है कि रावण है ये गुरु लोग, इनमें भी कोई एक तो मुखिया होगा, पांच विकारों का भी बाप कौन है? देवन, देवन गधा दिखाया ऊपर, काम करो तो लोग वो अहंकार रावण के पास थे, उनका भी बाप शुरुआत कहाँ से होती है? पांचों विकारों की, देवांश तो बाप है।